जनता के ऊपर हमला करवाया। दो दिन पहले राज्यसभा की सांसद बहरा वाली गीता साहब के वहां प्रचार करने जा रही थी, उनके ऊपर भी सभा के मुंडों ने हमला किया और मुंडों को बता करके आए हो, अभी तो पूरी कार्रवाई कर रही है करेगी। लेकिन इस कार्रवाई के बाद 10 मार्च को भाजपा की जब दूसरी पारी शुरू होगी तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि 10 कुत्ते भी तुम्हारी छाप का साथ होगा। यह मुंडाई करने वालों को भी कहना जाएगा या अखिलेश यादव जी तुम्हें कुत्ते देंगे। आज हमला करवा करके सोचते हैं कि वो भाजपा की विजय यात्रा को रोक लेंगे। अरे अगर तुम्हारे पास जब होगी तुम सरकार में थे तो अगला ब्यौरा है, गुंडे भी तुम्हारे पास है, लेकिन हमें 73 सांसद आपने जिता के दिया लगे लोगों ने दिया दिया था इनके गुंडे। और यह सरकार में रह करके भी जो भाजपा का कमल खेलने जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए, और 2019 में तो ये वे नागनाथ नेवरालाल समेत हो गए, हुआ भतीजे हो गए, तभी क्या कमल देने से रोक पाए क्या सभा रोक पाए? जब ये सब मिल करके नहीं रोक पाए तो क्या 2022 में रोक पाएंगे क्या? मैं आप सबको यही याद दिलाने आया हूं, जब गरीबों का मसीहा देश का प्रधानमंत्री है, आप अपराधियों के लिए खौफ का प्रतीक आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और विकास की गंगा बह रही है।